discuss the how the in 1971 election the Congress restored its position again, but these elections could not fulfill the aspirations of the people, and the many people protest in Gujarat and Bihar against the rising prices, against the rising prices of the essential commodities, and the students also protest in Gujarat and Bihar, both which were the Congress ruled states. That were the Congress ruled states. In January 1974, student in Gujarat started an agitations against the rising prices of food grains, cooking oils, and essential commodities, and against the corruptions in high places. The student protest was joined by major opposition parties and became widespread leading to the impositions of President Rulin in the state. कि वो उन इसमें जो है rising prices बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, essential commodities की चीज़ें जो थी वो shortage हो गई थी, उनके prices हो गए थे, there was an unemployment बहुत ज़्यादा थी. तो इसके against जो था जो Congress की अपनी ही स्टेट थी उसमें उनके अगेंस्ट जो था प्रोटेस्ट जो थे स्टार्ट हो गए थे. एंड इन मार्च 1974 स्टूडेंट्स केम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइसेस, फूड स्केयर्सिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन. आफ्टर अ पॉइंट दे इनवाइटेड जयप्रकाश नारायण टू लीड द स्टूडेंट्स मूवमेंट. इसमें जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने किसको इन्वाइट किया, जयप्रकाश नारायण को, कि उस प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उस मूवमेंट को कि वो लीड करें. एंड जयप्रकाश नारायण डिमांडेड द डिसमिस ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार एंड गेव ए कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशंस. कि जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म करने के लिए और वहाँ पर एक टोटल रेवोल्यूशंस जो था उसमें करने के लिए लोगों को बुलाया है. ये जो है न्यू चैप्टर टॉपिक है, सॉरी, दिस इज अ जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन. दैट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो. एंड जयप्रकाश नारायण डिमांडेड द डिसमिस ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार एंड गेव ए कॉल फॉर अ टोटल रेवोल्यूशन. ए सीरीज ऑफ बंस, घिराओज एंड स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिजाइन. कि बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया पर बिहार गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया रिज़ाइन करने के लिए. इन गुजरात द ओपोजिशन पार्टी डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस टू द स्टेट. मोरारजी देसाई, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस ओ हु वाज द राइवल ऑफ इंदिरा गांधी व्हेन ही वाज इन कांग्रेस, ही अनाउंस दैट ही वुड गो एन इनडेफिनेट फास्ट इफ फ्रेश इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड इन द स्टेट. अंडर इंटेंस प्रेशर्स फ्रॉम स्टूडेंट असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975 एंड द कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन दिस इलेक्शंस. कि इसमें जो है गुजरात में भी फर्स्ट जो बिहार में प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट, देन इन गुजरात, गुजरात में जो था उसमें मोरारजी देसाई जो थे उसमें जो कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे और उन्होंने जो है ये अनाउंस किया कि जब तक यहाँ पर दोबारा से इलेक्शंस नहीं हो होंगे तब तक वो जो है फास्ट पर रहेंगे, इनडेफिनेट फास्ट पर वो रहेंगे. तो फिर जो है स्टूडेंट की प्रोटेस्ट करने पे एंड प्रेशर्स के अंडर जो था द असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड इन गुजरात इन जून 1975 एंड देन द कांग्रेस वाज डिफीटेड. उस समय कांग्रेस की हार हुई. एंड जयप्रकाश नारायण वांटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. कि जयप्रकाश नारायण ये चाहते थे कि जो भी ये मूवमेंट्स है उनके कांग्रेस अगेंस्ट इसको एक बिहार तक सीमित ना रखकर पूरे जो है पूरे इंडिया में इसको फैलाया जाए, स्प्रेड किया जाए इस मूवमेंट को. अलोंग द एजिटेशन लेड बाय जयप्रकाश नारायण द एम्प्लॉयज ऑफ द रेलवे गेव ए कॉल फॉर ए नेशन वाइड स्ट्राइक इन 1975. जयप्रकाश लेड ए पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट एंड दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज इवन हेल्ड इन द कैपिटल.
कि इसमें जो है बाद में जो रेलवे जो तो उन्होंने भी इसके लिए जो था एक नेशन वाइड स्ट्राइक के कॉल करने के लिए उन्होंने भी एम्प्लॉयज़ को कहा। और जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने 1975 में जो है एक पीपल मार्च टू पार्लियामेंट, पीपल मार्च किया जब पार्लियामेंट तक। एंड दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली इवन हेल्ड इन द कैपिटल, कि कैपिटल में इससे सबसे जो लार्जेस्ट रैली थी वो वहाँ पर हुई। और ही वाज नो सपोर्टेड बाय द नॉन कांग्रेस ऑपोजिशंस पार्टीज लाइक द भारतीय जनसंघ, कांग्रेस हो, भारतीय लोकदल, द सोशलिस्ट पार्टी, गुजरात एंड बिहार एजिटेशन वाज सीन एज एंटी कांग्रेस एंड रादर देन अपोजिंग द स्टेट गवर्नमेंट दे वर सीन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ द इंदिरा गांधी। पर उसमें ये कहा गया कि ये जो मूवमेंट है, जो ये मूवमेंट जो दिखाई जा रही है एंटी कांग्रेस मूवमेंट जो है, ये जितनी भी मूवमेंट है ये लोगों के फायदे के लिए ना होकर एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट को उन्होंने नाम दिया गया, जिनका मेन पर्पस जो था द ओनली पर्पस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। जिनका मेन पर्पस जो था, जो मेन प्रोटेस्ट ये थी, सिर्फ ये था कि उस इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो था प्रोटेस्ट करना। थैंक यू।